नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज का वीडियो है कि अपन इस बारे में बात करेंगे कि जो जोड़ी है, कोई भी पिक्चर हिट होती है तो उसमें जोड़ी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, मेन लीड एक्टर और एक्ट्रेस का। जैसे पुराने जमाने में राजेश खन्ना मुमताज जी की जोड़ी रही है, राज कपूर जी की भी मतलब वैजयंती माला के साथ काफी फिल्म आई, नरगिस जी के साथ काफी फिल्म आई है, देवानंद साहब की भी कई हीरोइन के साथ जो फिल्म आई है वो काफी जबरदस्त उनकी चली है मतलब। और दोस्तों जैसे राजेश खन्ना सर की मुमताज जी के साथ जोड़ी, अमिताभ बच्चन सर की रेखा जी के साथ जोड़ी है, ये कुछ काजी जोड़ी है जिनके ऊपर फिल्में चलती रही है और इनको लोग देखना पसंद करते रहे। धर्मेंद्र जी और मोमानी उस जोड़ी को कौन भूल सकता है, कितनी उन्होंने सुपरहिट फिल्में एक साथ दी है। और अजय देवगन काजोल ये जोड़ी, अजय देवगन तब्बू इनकी भी जोड़ी काफ़ी सुपरहिट रही है, शाहरुख खान के साथ भी काजोल की जोड़ी काफ़ी रही है। तो बहुत से कलाकार हैं जिनकी जोड़ियाँ बनी हैं और उस जोड़ी का बहुत महत्व रहा है। सनी देओल सर की भी जैसे अभी अमिताभ पटेल के साथ जो फिल्म है उनकी आई, विशेषकर गदर गदर की जो दोनों पार्ट है ब्लॉकबस्टर है, और इसमें तारा सिंह और सकीना की जोड़ी काफ़ी पसंद की गई है। तो इसमें एक्चुअली होता है कि ज़्यादातर दोस्तों ये जोड़ी को क्रेडिट ज़्यादा दिया नहीं जाता है, ज़्यादा जो मेल हीरो होता है, जो मतलब मुख्य हीरो होता है, वो सारे क्रेडिट ले जाता है। आप किसी भी फिल्म को उठा के देख लीजिए, हीरोइन को उतना ज़्यादा फायदा होता नहीं, एक्ट्रेस को उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता जितना एक्टर को फायदा होता है। अभी गदर के बाद देख लीजिए आप सनी देओल सर को कितनी बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही है, फिल्मों की लाइन लगी हुई है, उफरा रहे। वहीं अमित शाह जी भी खैर बिजी है, मराज टू उनके पास गदर थ्री में भी काम करेगी और भी उनके पास काफ़ी फिल्में आने वाली है, लेकिन वो उतना बड़ा उनको एक फ़ायदा नहीं मिल रहा जितना मतलब सनी देओल सर को मिलता है या किसी भी एक्टर को मिलता है। लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा जरूर रहती है कि कुछ जोड़ी सुपरहिट होती है, जैसे सनी देओल सर की अमिषा पटेल की जो गदर, गदर की जो तारा सिंह और सकीना के जो इमोशंस है वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और उस इमोशंस के लिए लोग थिएटर्स में पागलपन की हद तक गए और फेस्टिवल उत्सव की तरह इस फिल्म को देखने के लिए गए। तारा सिंह का रोल हो या सकीना की जोड़ी हो, उनके जो रोमांटिक दृश्य ज़्यादा नहीं थे हालांकि, लेकिन जो उनकी केमिस्ट्री आपने गदर में पार्ट फर्स्ट में देखी थी वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है भी लोगों की एक जरूरी इच्छा रहती है। और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि गदर थ्री में ये जोड़ी नहीं दिखे, मतलब अमिषा पटेल और सनी देओल सर एक साथ नहीं दिखे, दूसरा हीरोइन दूसरी हीरोइन आपको नजर आए, तो इसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकती जब ये जोड़ी हमारे दिमाग में आ जाती है, जब लोगों के दिलों में छा जाती है। अब इस जोड़ी का मतलब एक जैसे सनी देओल सर की एक्शन मूवी ज़्यादातर चलती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक्शन फिल्में भी नहीं चल पाती है, लेकिन गदर कितनी बड़ी एक्शन फिल्म है। तो ये जो चली है उसमें सनी देओल सर की जो जबरदस्त डायलॉग्स है, जबरदस्त स्क्रिप्ट है, शक्तिमान सर की, अनिल शर्मा का डायरेक्शन है, इन सब का योगदान होने के साथ साथ कुछ ये जो जोड़ियाँ होती है उसके प्रति भी लोग आकर्षित होते हैं। तो अब गदर थ्री के प्रति सब एक उम्मीद कर रहे हैं कि गदर थ्री बहुत जल्दी आए और फिर से हमें सनी देओल सर और अमिषा पटेल की जोड़ी देखने को मिले, तारा सिंह और सकीना की जोड़ी। तो डेफिनेटली अभी अमिषा पटेल जी से मतलब बात हुई थी और उन्होंने बताया था, और उन्होंने खुद ने भी एक प्रोग्राम भी किया था जिसपे आप ट्विटर पे उनसे सवाल पूछ रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि डेफिनेटली वो गदर थ्री करेगी और कोई मतभेद वाली बात नहीं है अनिल शर्मा जी के साथ, और वो फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम जारी है, इसके अलावा मराज टू भी वो करने वाली है, तो हमें फिर से तारा सिंह और सकीना की जोड़ी बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाली है। और उम्मीद करते हैं कि ये जोड़ी हमेशा की तरह एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाली। जहाँ तक सनी देओल सर की बात करें तो उनका तो क्या कहने, एक से बढ़कर एक फिल्म उनकी आने वाली है, बाप, सफ़र, लाहौर 1947, इसके अलावा गोपीचंद मेलनानी की फिल्म जट जिसमें बहुत ज़बरदस्त उनका रोल होगा, रामायण में वो काम कर रहे हैं, तो क्या क्या फिल्में आने वाली, एक से बढ़कर एक फिल्म, बॉर्डर टू, मज़ा आएगा। खैर गदर थ्री का भी इंतजार रहेगा जब फिर से एक बार सनी देओल सर जबरदस्त हंगामा करते हुए, जबरदस्त रोल करते हुए नजर आएंगे और अमित शाह जी के साथ उनकी जोड़ी भी क्या कमाल करने वाली है। आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में, क्या जोड़ियों का महत्व है, क्या हीरोइन को या एक्ट्रेस को उतना फायदा नहीं होता जितना कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है तो हीरो को फायदा होता है, इनके बारे में अपनी राय बताइएगा। जय श्री राम जी।